TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जो कि काफी खूंखार बल्लेबाज है, काफी नाम है मुन्ना शेख का। और इस बार पर की गेंद थी, खेल दिया है खिलाड़ी, वहां पर कोई मौजूद नहीं, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। मुन्ना शेख के बल्ले से आता हुआ पहला चौका। काफी खतरनाक बल्लेबाज है मुन्ना शेख, अपने इरादा स्पष्ट करते हुए पहली गेंद पर। इस बार जोरदार प्रहार, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। और इस बार ये मुन्ना से के बल्ले से निकलता पहला छक्का, जैसे ही देखा पटकी गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, पिच हुई थी, गेंद को पहुंचा सीमा रेखा के बाहर, छह रनों के लिए। मुन्ना शेख जो कि काफी खूंखार बल्लेबाज है, इस बार फिर से पटकी गेंद, उसी तरह का ये शॉट, मुन्ना शेख के बल्ले से निकलता है बैक टू बैक दूसरा छक्का। डीजे मास्टर महंगा और आता हुआ ये, इस बार खेल दिया है पॉइंट क्षेत्र की तरफ से, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, देखना है एक रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर। और इस बार सीधे बल्ले से खेला है, गेंद जाती है सीमा रेखा के बाहर, छह रनों के लिए। ये मुन्ना से के बल्ले से निकल दो छक्का, इसी छक्के की दरकार थी काफी समय से। अंत का ये सिक्स आता हुआ मुन्ना से के बल्ले से। इस बार फिर से सीधे बल्ले से खिलाई, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, देखना एक रन चुरा लिया है और दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया नौ से गेंद से, एक ही रन की गुंजाइश। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन, दो विकेट के नुकसान पर। इस बार खेल दिया है कवर क्षेत्र पर, खिलाड़ी मौजूद है, एक रन चुरा लिया, हल्की सी मिस फील्डिंग, नतीजा दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। इन्हीं का ये छठा और आखिरी पांच गेंदें शेष है, जीतने के लिए नौ रनों की आवश्यकता। और इस बार पटकी गेंद थी, गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर, छह रनों के लिए। जैसे देखा पटकी हुई गेंद है लेग स्टंप के बाहर की चोरी थी, उसको सही नसीहत और गेंद को पहुंचा सीमा रेखा के बाहर, छह रनों के लिए। ये मुन्ना शेख के बल्ले से आता हुआ छक्का, काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेट बल्लेबाज है मुन्ना शेख। अब मात्र तीन रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, तीन गेंदों में तीन रनों की आवश्यकता। और ये फुल टॉस गेंद, गेंद जाता हुआ सीमा रेखा पार, छह रनों के लिए। और इसी के साथ आर्या क्रिकेट क्लब नासिक इस मैच को जीत लिया, जीतने वाली टीम को हार्दिक बधाई, हारने वाली टीम को हेडलक।